संविधान दिवस पर बिड़ला सभागार में कार्यक्रम आयोजित। हाईकोर्ट जस्टिस सबीना ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने उठाया केसों की पंडेसी का मुद्दा। भाजपा संविधान दिवस पर भाजपा मुख्यालय में गोष्ठी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान। कार्यकर्ताओं ने संविधान की पालना की अपील की। चुनावी चंदे को लेकर डिप्टी सीएम पायलट ने साधा निशाना। कहा सत्ताधारी पार्टी को जो 97% चंदा मिला है उसकी जांच हो। राजस्थान कैबिनेट मंत्री सुखराम विश्नोई ने की जनसुनवाई। पीसीसी में सुनी आमजन की फरियाद। अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। जयपुर में एएनएम भर्ती परीक्षा 2013 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पीसीसी के बाहर पड़ाव दूसरे दिन भी जारी। नियुक्तियों की मांग कर महिला अभ्यर्थियां कर रही हैं प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं राखी सिंगल और आप देख रहे हैं गुलाबी शहर। संविधान दिवस पर जयपुर के बिड़ला सभागार में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अंगीकार अधिनियम और आत्मार्पण की 70वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, जबकि अध्यक्ष हाईकोर्ट जस्टिस सबीना ने की। इस दौरान कार्यक्रम में हाईकोर्ट जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जिला न्यायाधीश एस के जैन, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सहित कई न्यायालय और प्रशासनिक अधिकारी अधिवक्ता मौजूद रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जहां सभागार में मौजूद लोगों को संविधान का प्रियम्बल आत्मार्पण करवाया गया, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट्स में केसों की पेंडेंसी का मुद्दा उठाया। साथ ही न्यायाधीशों की कमी और पदों को पूरा नहीं भरने पर भी चिंता जाहिर की है और केंद्र सरकार से मामले में गंभीरता से विचार कर कदम उठाने की बात भी कही। तो पूरे मुल्क के हालात बड़े विकट हैं और जो केस की संख्या बढ़ती जा रही है, लाखों केसेस पेंडिंग है, लोगों को समय पर न्याय मिलता नहीं है और जो समय पर न्याय नहीं मिलता है तो भी न्याय नहीं मिलने के बराबर होता है। इसके लिए केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हाँ। राज्य सरकारें सहयोग करेगी पूरे मुल्क के अंदर, तो केंद्र को आगे आके सिस्टम में कोई जो कमी खामी है दूर करना चाहिए, क्योंकि आज लाखों केसेस, अगर राजस्थान में लोअर जुडिशरी में 3 लाख से 17 लाख ज्यादा केस हो सकते हैं। क्या था और 26 नवंबर 1949 को यह संविधान अंगीकृत किया गया था, जिसे इस वर्ष 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत सरकार के न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई दिशा निर्देश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हमने संपूर्ण राजस्थान में आज 35,026 स्थानों के ऊपर संविधान दिवस के कार्यक्रम मनाए और हमारा ये टारगेट है कि राजस्थान के लगभग 1 करोड़ लोगों तक आज हम पहुंचे। इसके लिए हमने सुबह 7:15 बजे से ऑल इंडिया रेडियो पर, विभिन्न रेडियो चैनल्स पर और अभी शाम को दूरदर्शन के माध्यम से और आपके निजी चैनल्स के माध्यम से हम प्रसारण कर रहे हैं। दुनिया का सबसे उत्कृष्ट संविधान भारत का है और संविधान लोकतंत्र की आत्मा है, ये कहना है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का। भाजपा मुख्यालय में संविधान दिवस के मौके पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक, अरुण चतुर्वेदी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने सत्ताधारी दल पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो साथ ही आंकड़े गिनाते हुए बताया कि कांग्रेस भाजपा से ज्यादा बढ़त नहीं ले पाई है। पूनिया ने इस दौरान गहलोत के ट्वीट को भी दिखाया और उसको डिलीट करने पर भी सवाल उठाए। पूनिया ने पिछले चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले चुनावों में 40 चुनावों में 40 पर भाजपा थी। इस दौरान पूनिया ने अलवर रूपवास में मंत्रियों के दबाव को देकर वोटिंग कराने के आरोप भी लगाए। तो वहीं राजधानी जयपुर में वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने पीसीसी में जनसुनवाई की। इस दौरान मंत्री ने प्रदेश भर से पहुंच रहे लोगों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को फोन पर ही निर्देश दिए। वहीं सांभर मामले पर बोलते हुए मंत्री विश्नोई ने कहा कि सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है और सांभर में अब हालात सामान्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सांभर झील में रेस्क्यू सेंटर सामान्य होने पर प्रवासी पक्षियों को स्विफ्ट किया जा रहा है।
डिप्टी सीएम पायलट ने सत्ताधारी पार्टी को मिले चंदे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी को जो 97% चंदा मिला है उसकी जांच की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सरकार की मंशा साफ है कि नौजवानों को रोजगार दिलाया जाए। डोनेशन आया है वो मात्र जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का डोनेशन आया है वो मात्र एक पार्टी को आया है, रूलिंग पार्टी को। दुनिया में किसी देश में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि रूलिंग पार्टी या एक सत्ताधारी दल को 97% डोनेशन मिले। तो कहीं ना कहीं इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह इसको पूरे सिस्टम को बनाया है, इसमें गोपनीयता भी है लेकिन कुछ लोगों को पूरी जानकारी भी है। भय और खौफ का माहौल बनाकर लोगों को भयभीत कर चंदा इकट्ठा करना, और थोड़ा बहुत नहीं हजारों करोड़ रुपए का एकत्रित कर एक पार्टी के पैसे खाते में आ जाए और बाकी किसी दल को आप वंचित रखें, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं इसमें काले धन का प्रयोग तो नहीं किया गया है। और सदन के अंदर दिल्ली में लोकसभा में विधानसभा राज्यसभा में कई बार इस बात को उठाया गया है लेकिन सरकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के इस्तीफे के बाद राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में जो किया है उससे लोगों में गलत संदेश जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये अच्छा निर्णय है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्टर संज्ञान लेने के बाद ही अच्छा निर्णय लिया है। कोर्ट ने सारे फैक्ट्स का संज्ञान लेने के बाद अच्छा निर्णय दिया है कि समय रहते ही जल्द से जल्द इसका निराकरण हो, क्योंकि संख्या बल का जनाधार दिखाने का जो सही माध्यम है वो सदन का पटन है। और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही 5 बजे से पहले विभाजन कर स्थिति स्पष्ट होने का जो निर्णय लिया है उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। और इतने दिनों से जो खींचतान चल रही थी उस पर विराम लगकर जो जिसके पास संख्या बल है उस दल उस सरकार की जीत होनी समझता सुन। तो वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने देश में चल रही आर्थिक मंदी पर आज केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि देश भर में युवा किसान और मध्यम वर्ग के लोग केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते परेशान हैं। साथ ही पायलट ने कहा है कि मुझे खुशी होती है कि केंद्र सरकार ये स्वीकार करती है कि देश भर में आर्थिक मंदी आई है और इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये कदम उठाए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के इस नकारात्मक रवैये को देखते हुए पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। 29 तारीख को जयपुर में पीसीसी मुख्यालय से लेकर सिविल लाइन फाटक तक पैदल मार्च करेंगे और राज्यपाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। हर राज्य में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह बीड़ा उठाया है कि देश में जो आर्थिक स्थिति पैदा हुई है, जो मंदी का दौर चल रहा है, जो नौजवान लगातार बेरोजगार हो रहे हैं, उसके खिलाफ केंद्र सरकार की नींद खोलने के लिए हम लोगों ने आंदोलन पूरे प्रदेश और देश में किया है। आप जानते हैं इससे पहले हमने राज्य भर के तमाम जिलों पर ज्ञापन दिए, धरने दिए हैं और 29 तारीख को हम जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस से लेकर सिविल लाइन्स फाटक तक हम पैदल मार्च करेंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भी देंगे प्रधानमंत्री जी के नाम, क्योंकि देश में जो चल रहा है केंद्र सरकार का ध्यान उस पर केंद्रित नहीं है। सरकार बनाने बिगाड़ने में, जज्बाती मुद्दों को राजनीति में लाने का, लेकिन जो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी मेकिंग है, जो कई मीठे कड़वे और राजनीतिक अनुभवों के बीच 25 नवंबर से प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम का बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया है और इसी के साथ अब नगर निगमों की कमान प्रशासक के हाथ में आ गई है। अगले कुछ महीने तक जयपुर, जोधपुर और कोटा को निर्वाचित शहरी सरकार नहीं मिलेगी और हो सकता है कि रोजमर्रा के आसानी से हो जाने वाले कार्यों में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। हालांकि यह सरकार की ओर से प्रशासक नियुक्त तो कर दिया गया है लेकिन तीनों ही शहरों में दो दो नगर निगम कर दिए गए हैं। ऐसे में अब कुल नगर निगमों की संख्या 6 हो गई है। सरकार ने फैसला लेते हुए तीनों शहरों के दो दो निगमों पर वर्तमान आयुक्त को ही प्रशासक बनाकर कमान सौंप दी है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर निगम में आईएएस विजयपाल सिंह को प्रशासक नियुक्त किया गया है। वहीं जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण नगर निगमों में आईएएस सुरेश ओला को दोनों निगमों के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसी तरह कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम में एएसआई वासुदेव मालावाद को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
की है वो उनका अधिकार था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो उन्होंने बोला वो ठीक है उन्होंने बोला, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा इस बोर्ड के अंदर जनता ने हमको जिता के भेजा, हम लोगों ने जो काम किए सड़क बनाई नाली बनाई वो हमने कोई एहसान नहीं किया किसी के ऊपर, लेकिन जो काम वास्तव में होने चाहिए थे जो जयपुर की समस्या थी वो आज तक हम लोग किसी को दूर नहीं कर पाए। मैं इस बोर्ड के लिए कहना चाहूंगा जो पांचवा बोर्ड है इसके अंदर ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि गंदे विद्याधर नगर के अंदर नाले के अंदर फेरों के कारण एक बच्चा मर गया अपने फादर के साथ जा रहा था, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद में एक फायर की आग लगी विद्याधर नगर के अंदर और वहां पर लाक्षय गृह बन गया, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की गलती थी, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। नाले के ऊपर कटापुरा नाले के ऊपर आयुष नाम का लड़का पानी में बह गया, नगर निगम जेडीए किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, न हम लोग कुछ उसके अंदर कर पाए। गौशाला के अंदर गायें मर गई, हजारों गायें मरी, लेकिन कोई कार्रवाई किसी अधिकारी के ऊपर नहीं हुई। एएनएम भर्ती परीक्षा 2013 की अभ्यर्थियों का नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का पीसीसी के बाहर धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को पीसीसी में सुनवाई करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने अभ्यर्थियों से बातचीत कर अभ्यर्थियों को सरकार तक मांगों का पहुंचाने का आश्वासन दिया है। वहीं पीसीसी के बाहर प्रदर्शन के दौरान बेरोजगार संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव और अन्य अभ्यर्थियों की रिहाई तक धरना खत्म नहीं करने की चेतावनी देते हुए अभ्यर्थियों ने सरकार पर कई बड़े सवाल उठाए। बेरोजगार लोग कल यहां पर अपने जन सुनवाई में इकट्ठा हुए थे और हमारी कुछ मांगे थी जो सरकार से हम मंगवाना चाहते थे, लेकिन मांगों को सुनने से पहले ही सरकार ने बलपूर्वक प्रयोग करके हमको हमारे भाइयों को सबको जेल में डाल दिया। हम कल सुबह से 8 बजे से बैठे हैं और जिसमें प्रमुख मांग हमारी ये है कि 2013 की जो नर्सिंग भर्ती है एनम की उसको पूरा करें, जिसके वंचित पद थे उनको पूरा करें। उसके बाद उपेन भाई ने जैसे बताया कि 5 मांगे उनकी और थी, रिट, जीएनएम, एलडीसी, पंचायती राज और बाकी ये भर्तियां थी। और अभी हमारी प्रमुख मांग यही है कल रात से कि जैसे 15 लड़कियों को जिस पूर्व जमानत पे छोड़ा गया है उसी तरह उपेन भाई और उनके साथ 10 लड़के और हैं। काफी लोग कल भी कुछ लोगों ने अपनी बात को रखा है, मुझे लगता है बात रखने का अधिकार सब लोगों को है, लेकिन कहीं पर भी हमें जो डिसिप्लिन है या कानून व्यवस्था है उसको कहीं दूर दूर तक भी हमें खराब नहीं करना चाहिए। मुझे दुख हुआ जब कल की घटना के बारे में जानकारी मुझे मिली, सरकार पूरी तरह गंभीर है, जो अलग अलग संबंधित मंत्री हैं उन सबसे हम लोग बात करेंगे, कहीं अगर कानूनी रोड़ा अटका हुआ है उसको निकालने का काम करेंगे। हमारी मंशा स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी की और सरकार की कि नौजवानों को रोजगार दिलाना है। राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संबंध में बनाए गए नियमों में संशोधन की घोषणा की है। इसके तहत अब खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण का जो नियम बनाया है उसको और अधिक विस्तारित कर दिया है। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि अब राष्ट्रीय स्तर के खेलों में राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को 2% आरक्षण के तहत नौकरी के लिए पात्र बना दिया गया है। आज से पहले केवल इंडिया की जर्सी पहनने वाले खिलाड़ी या मेडल जीतने वाले खिलाड़ी उन्हें इस 2% में एलिजिबल माना जाता था, लेकिन अब राजस्थान की जर्सी पहनने वाले खिलाड़ी एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ स्कूल नेशनल्स में, यूनिवर्सिटी नेशनल्स में जो मेडल मारेंगे, क्योंकि वो उनका उज्जवल भविष्य, उनको हमको सपोर्ट करने की जरूरत है, वो बच्चों को भी इसमें एलिजिबिलिटी के अंदर। दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान के निम्स स्कूल ऑफ लॉ की ओर से 70वें संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा इस रिपोर्ट में देखिए। सीवी रमन सेमिनार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर मंजू कुलवाल ने सभी अतिथियों का फ्लोरल वेलकम किया और स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एडवोकेट जीडी बंसल ने कहा है कि भारत का लोकतंत्र भारत के संविधान पर टिका हुआ है। अपने देश में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और दायित्व हैं। यहां पर हर नागरिक 18 साल की आयु से वोट डालना शुरू करता है और 21 वर्ष के बाद भारतीय नागरिक चुनाव लड़ सकता है।
विशिष्ट अतिथि राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य भुवनेश शर्मा ने बताया कि भारतीय संविधान के नियम कायदों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देश के कानून के विद्यार्थियों की है। भारतीय संविधान करीब 12 अन्य देशों के संविधान से स्वीकार किया गया है। यहाँ पर प्रत्येक भारत के नागरिक के अधिकारों को ध्यान में रखा गया है। आज 26 नवंबर को आज के दिन संविधान की स्थापना हुई थी और आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत पूरे देश भर में हमारे एडवोकेट्स के जितने भी इंस्टीट्यूशन संस्थान है उसमें आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्ट किया है कि आप इस संविधान दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाएं। और आज हम निम्स यूनिवर्सिटी में संविधान दिवस के स्थापना दिवस पर हमने बड़े स्टूडेंट्स के साथ मनाया गया। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स गैदरिंग अच्छी थी और यहाँ के मैडम जो प्रोफेसर मंजू कुलवाल हैं उन्होंने हमें ये मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हमें स्टूडेंट्स को जो हमारी तरफ से जो अच्छे से अच्छा हम करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कहेंगे और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को भी कहेंगे कि इस तरह के फंक्शंस लगातार होने चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निम्स स्कूल ऑफ लॉ की प्राचार्य प्रोफेसर मंजू कुलवाल ने बताया कि निम्स विश्वविद्यालय सभी छात्र छात्राओं को और क्षेत्र के लोगों को आम आदमी के अधिकारों के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। मेरा शुभकामना संदेश इस अवसर पर यही है कि भारत के सभी नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे और विधि का तो हर विद्यार्थी अधिकारों के साथ साथ ये जाने कि उसके संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य क्या है, क्योंकि यदि हम कर्तव्य की बात करेंगे तो अधिकार स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। आज मैं सभी विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि भारत का संविधान एक बहुत ही विस्तृत संविधान है, इसका आदर करें और भारत के जो संविधान में दिए गए आर्टिकल 51 ए के मूल कर्तव्य हैं इनका अपने हृदय से पालना करने का एक निश्चय लें। इसीलिए हमने सभी विद्यार्थियों को आज एक शपथ ग्रहण करवाई है कि मूल कर्तव्यों का अवहेलना वो नहीं करेंगे। आज निम्स स्कूल ऑफ लॉ ने, निम्स यूनिवर्सिटी के निम्स स्कूल ऑफ लॉ ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मॉक स्किट की प्रस्तुति दी। स्कूल ऑफ लॉ की सभी फैकल्टी ने पेपर प्रेजेंटेशन दी। मंच संचालन कासनी और शेफ ने किया। धन्यवाद ज्ञापित मनीष सिंह ने किया। इस अवसर पर निम्स स्कूल ऑफ लॉ के सभी शिक्षक डॉक्टर एमपी माली, प्रियंका गुप्ता, रमाकांत अग्रवाल, प्रतीक्षा पांडे और सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। न्यूज इंडिया के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में फडणवीस और पवार के इस्तीफे के बाद प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने रात में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, लेकिन जनता के सामने सच आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल फ्लोर टेस्ट होना है। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, ये साफ हो जाएगा। प्रदेश के 30 से अधिक निकायों में कांग्रेस पार्टी ने आज बोर्ड बना लिया है। प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने परिणामों पर खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले पंचायत चुनावों में हारी, उसके बाद निकाय चुनावों में शहरी जनता ने भी संदेश दे दिया है। उपचुनाव में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोगों ने सुपड़ा साफ कर दिया है। जो काम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने पिछले 11 महीने में राजस्थान में किए हैं, वो काम जनता की अपेक्षाओं पे हम लोग खरा उतरे हैं। एक के बाद एक जो फैसले लिए गए वो फैसले जनता को समर्पित हुए हैं। हमने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था चुनाव से पहले, उस जन घोषणा पत्र पर हमने अमल करना शुरू कर दिया है और ये साबित करता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम जो वायदे करते हैं हम उनको निभाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वायदे कुछ और करती है, चुनाव किसी और मुद्दे पर लड़ती है। उनका कथनी और करनी से कोई लेना देना नहीं है, उनकी एक नहीं है कथनी करनी। गुलाबी शहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।